लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने बताया तो था पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। देखो ऐसा मत करो, प्लीज वापस आ जाओ। हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे ना, अभी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। मैंने रात भर इस बारे में सोचा, इसलिए वहाँ जा रही हूँ। Will you please listen to me? This is not the way. This is the only way. मुझे अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है। अरे सुनो सर, जरा यहाँ आओ। कौन? मैं सर। हाँ भाई तुम ही, इधर आओ। आए सर। सर ए, ये टॉयलेट महीने में कम से कम एक बार साफ नहीं रखना चाहिए क्या? हाँ सर, करना तो चाहिए। तो ये साफ क्यों नहीं है? मालूम नहीं सर। कौन करता है अपने पुलिस स्टेशन में ये काम? मालूम नहीं सर। कमाल है। अरे तुम इतने गैर जिम्मेदार भला कैसे हो सकते हो? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ नया हूँ इसलिए मुझे हल्के में ले रहे हो? सर भगवान कसम, दरअसल मैं भी यहाँ नया हूँ सर, इसलिए मुझे कुछ जानकारी नहीं है सर। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश है सर। ओ, कब से ज्वाइन किया है? अभी दो दिन से सर, उसी दिन मैंने रिपोर्ट किया। हाँ। जिस दिन आपने रिपोर्टिंग की। ऐसा क्या? यस सर। सॉरी है, मैंने बिना कुछ जाने बिना डांटा। ठीक है सर। सर आपने दो दिन लेट रिपोर्ट क्यों किया सर? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ। और पिताजी अब इस दुनिया में है नहीं। माँ को हर महीने अस्पताल ले जाना पड़ता है मुझे। पिछले दो दिन से मैं उसी काम में लगा था। हाँ, सॉरी सर। तो क्या दो दिनों में ऐसा कुछ हुआ जो मुझे जानना चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं सर, जिंदगी में पहली बार पुलिस का लाइव एक्शन देखकर मैं तो दंग रह गया। दरअसल सीआई सर हमें साथ ले गए थे उस सट्टेबाज को पकड़ने के लिए। कौन? जो अभी अंदर बंद है वो? हाँ सर, सीआई सर बहुत तेज मालूम पड़ते हैं। मैं पिछले दो दिनों से देख रहा हूँ, वो एक ईमानदार अफसर लगते हैं सर। वैसे ही तो होना चाहिए। हाँ सर। देखो हम डिपार्टमेंट वाले भी ईमानदारी से काम तभी कर पाएंगे जब हमारे ऊपर बैठे अफसर ईमानदार। आपने सही कहा सर, पर हमारे एएसआई मुथुमणि सर जरा थोड़े अजीब लगते हैं सर। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं सर, लेकिन बहुत हो गया यार। सिर्फ दो दिन की ज्वाइनिंग में तुमने इतना सब कुछ जान लिया, लेकिन वो बदबूदार टॉयलेट तुम साफ नहीं करवा पाए। सर वो तो मैं, जाओ जाके अपना काम करो। यस सर। बोलिए आपको क्या चाहिए मैडम? मैडम मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी क्या मदद करूँ? मैं सीआई साहब से मिलना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, सीआई साहब आज पुलिस स्टेशन में नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, उनके आने का इंतजार करूंगी।
मंजू सर, सुनिए, सीआई साहब आज यहाँ नहीं आने वाले हैं, आप कंप्लेंट लिखवाकर जा सकती हैं। हाँ मंजू, इन्हें राइटर के पास ले जाओ। जी नहीं, मैं डायरेक्टली उनसे जाकर बात करूंगी। अब मैडम, मैडम रुक जाइए, मैडम मैडम रुक जाइए, मैंने कहा रुक जाइए। मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है? मुझे नहीं लगता सीआई सर आ जाएंगे, आएंगे भी तो रात को देर से आएंगे सर। इसलिए आप अपनी कंप्लेंट लिखवाकर जा सकती हैं। सीआई सर से मिलने कल आइएगा। क्या हुआ, कोई परेशानी? मालूम नहीं सर, ये कुछ बोलती भी नहीं और ये सीआई सर से मिलना चाहती है। लेकिन सीआई सर तो आज नहीं आएंगे। मैंने भी इनसे यही कहा सर, लेकिन ये सुनती ही नहीं। हेलो, मैं हूँ एसआई रविकुमार। आपकी कोई कंप्लेंट है या कोई परेशानी हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए, हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए ही हैं, ट्रस्ट मी। बताइए आप कौन हैं और आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम मैरी है, कल मेरा रेप हुआ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? सर मुझे नहीं लगता कि ये कोई छुपाने वाली बात है। मेरा बलात्कार हुआ है, मुझे आपकी सहानुभूति नहीं बल्कि न्याय चाहिए। आरोपी को सजा देने के बजाय आखिर आप कब तक पीड़ित को सहानुभूति दिखाते रहेंगे और इसे अनदेखा करके केस को क्लोज भी कर देंगे? मैं चाहती हूँ कि आरोपी को सजा मिले, क्या आप मुझे न्याय दिला सकते हैं? Yes. क्या आप मुझे विस्तार से बता सकती हैं कि कल रात आपके साथ क्या हुआ था? मेरा नाम मैरी है, मैं बेंगलुरु में एक आईटी एम्प्लॉई हूँ, फोटोग्राफी मेरा पैशन है। मैं चिकमगलूर एक सोलो ट्रिप पर आई थी, कल पहला दिन था यहाँ। मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, मैंने वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स की तस्वीरें ली और शाम को फार्म हाउस पहुंची करीब 9:30 बजे। वेरी फनी, मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन उठा ही नहीं रही हो। क्या ऐसा करना ठीक है? बताओ कहाँ हो तुम यार? मैं यहाँ पर फोन से दूर, ईमेल से दूर जंगलों में घूमने आई हूँ, फोन पर बातें करने नहीं। हाँ पता है मुझे, मुझे मेरी ट्रिप एंजॉय करने दो। तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं है, बाद में बहुत पछताओगी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, वापस आने के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी ना, बस 2 दिन के लिए इग्नोर कर रही हूँ, सहन कर लो। चलो ठीक है, तुमने खाना खा लिया? अरे हाँ, माँ तुमसे कुछ बात करना चाहती है, वो तुम्हें कॉल करेगी, बात कर लेना उनसे। हेलो हेलो, क्या कहा, माँ के बारे में? हेलो हाँ, माँ कॉल करेगी। जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। माँ कॉल करेगी। हेलो माँ, तुम्हें कॉल करेंगे उनसे, बात कर। थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, बेवकूफ कहेंगे। वरुण, इस रिसॉर्ट में सिर्फ तुम लोग नहीं हो, बाकी लोग भी हैं।
वॉल्यूम कम करो या तो म्यूजिक बंद करो। हेलो, तुम किससे बात कर रही हो? देखो, हमें मालूम है कि म्यूजिक कितना लाउड होना चाहिए और पार्टी कैसे करनी चाहिए। तुम जाकर सो जाओ। मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे मत बताओ। ए, लड़की है तो इसलिए सुन रहे हैं। तमीज से बात कर। हा? हद हो गई यार। क्या तुम्हें क्या लगता है लड़कियां सिर्फ मजबूर होती हैं क्या? तुम तमीज से बात करो, समझे? अच्छा, पहले तो खुद यहाँ पर आकर हमसे झगड़ा कर रही हो और हमें बताओगी कैसे बात करनी है? अच्छा, तो पूरे रिसॉर्ट में सिर्फ तू ही है जिसे मेरे म्यूजिक से डिस्टर्ब हो रहा है। कहा ना तमीज से बात कर कमीने। तेरा बाप होगा कमीना। ए, तू ही है जो हमसे यहाँ आके बहस कर रही है। I'm warning you guys, you're crossing your limits. तू अपना मुंह बंद रख, समझी? इंग्लिश में बात करके खुद को स्टैंडर्ड वाली समझ रही है क्या? मैं यहाँ वॉल्यूम कम करवाने की बात कर रही हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। hey, आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, इसीलिए हम यहाँ पर पार्टी करने आए हैं। तो मैं म्यूजिक बजाऊंगा, दारू पीऊंगा और पार्टी करूंगा। तुझे जो करना है कर, अब निकल यहाँ से। कमीने कहीं के। रुक, तेरी तो तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारा म्यूजिक सिस्टम तोड़ दिया। अब क्या हमारे मजे के लिए तू नाचेगी? बता, तू नाचेगी हमारे लिए? चल नाच, नाच, नाच। ए, राहुल, मैडम, क्या हुआ, क्या बात है, कुछ चाहिए था आपको? मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी। मैडम, वो लड़के जोर जोर से म्यूजिक चलाकर पार्टी कर रहे हैं, पूरे रिसॉर्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आपका मैनेजमेंट कुछ कर क्यों नहीं रहा है? मैडम, मैं उन्हें दो बार कह चुका हूँ लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैडम, पर मैडम अब म्यूजिक बंद हो गया है। म्यूजिक बंद नहीं हुआ है, मैंने बंद करवाया है। मैडम, लेकिन आप वहाँ क्यों गई? मैडम, वो लोग नशे में धुत है मैडम। अगर आपके मैनेजमेंट ने पहले ही कुछ किया होता तो मुझे वहाँ जाना ही नहीं पड़ता। मैडम, लोग यहाँ पर एंजॉय और मजे करने आते हैं, तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? मैडम, आप लोग सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हैं। मैडम, पैसों के लिए ऐसे अय्याश लोगों को यहाँ आने देते हैं, उनमें इतनी भी तमीज नहीं है कि लड़की से कैसे बात करें, उन्हें शर्म आनी चाहिए। थू, बेशरम। अब देखो, कल पुलिस स्टेशन जाकर मैं उन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने वाली। मैडम, फिर अकल ठिकाने आएगी। मैडम प्लीज, मैडम ऐसा मत करो। मैडम, आपने ऐसा किया तो उनसे ज्यादा नुकसान तो हमारा होगा, प्लीज मैडम। लेकिन मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट आखिर क्यों मानूं? मैडम, मेरी जॉब भी जा सकती है। मैडम ऐसा मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैडम प्लीज, मैडम माफ कर दो मुझे। पहले जाकर उन्हें तमीज सिखाओ कि एक औरत से कैसे बात करते हैं। ठीक है मैडम, सॉरी मैडम, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी मैडम। लगता है तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। डांट कर सुकून मिल गया तुम्हें? वो लोग बहुत ज्यादा अय्याश हैं, घटिया कहेंगे। प्लीज तुम जरा शांत हो जाओ, क्या हुआ है, कुछ बताओगी? हाँ बता रही हूँ, रिसॉर्ट में सब लोगों को लाउड म्यूजिक से डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए जब मैंने उनसे वॉल्यूम कम करने को कहा तो मेरे साथ ही बदतमीजी करने लग गए। जाने दो ना यार, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। देखो तुम वहाँ अकेली हो तो प्लीज अपना ख्याल रखो। हाँ बाबा, मैं रख रही हूँ अपना ख्याल। ठीक है। अच्छा, तो माँ के बारे में कुछ कह रहे थे ना, क्या हुआ? हाँ, वो माँ शायद तुम्हें कॉल करेंगी, उन्हें शॉपिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना था। ओ हाँ, बात कर लेना। ओके ओके, ठीक है, फिर मैं उनसे बात कर लूंगी। ओके ओके। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया, कुछ दोस्त घर पर आए थे तो हमने नॉन वेज खाया। तब तो जमकर खाना खाया होगा। अरे क्या हो गया?
अचानक से पावर कट हुआ, इसलिए मैं डर गई। रिसॉर्ट में पावर बैकअप तो होगा ना? हाँ हाँ होगा शायद, पता नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगी लाइट। तुम बात करते रहो। ओके ओके, तुम डरो मत, ओके मैं साथ हूँ। मैरी? हाँ? मैरी, क्या हुआ मैरी? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इतनी रात को कौन हो सकता है? पता नहीं जॉन। देखो दरवाजा खोलना मत प्लीज, पहले पूछो कि कौन है। ओके? कौन है? सिक्योरिटी मैडम। सिक्योरिटी है? तुम लाइन पर रहो। Really sorry. क्या आपको किसी पर कोई शक है? उन तीनों लड़कों में से ही कोई एक है सर। उनके साथ आपकी बहस होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि उन तीनों में से कोई एक था, बट ये साबित करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए। आप हमलावर का चेहरा भी ठीक से देख नहीं पाई, तो हम कैसे साबित करेंगे कि उन तीनों में से कौन था जिसने आप पे हमला किया था? जिसने मेरा रेप किया ये उसकी चेन है सर। ओह, ये तो मेरा फोन ही नहीं उठाते। मुत्तू सर। जी आया सर। सर। मुत्तू सर। जी सर। आप दो कांस्टेबल्स को ले जाओ सर, और रिसोर्ट पर जाकर पूछताछ करो। ठीक है सर। और उस मैनेजर और उन तीन लड़कों को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाओ। और हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट करके लेके आ जाना सर। हम उन तीनों को यहाँ पर नहीं ला सकते हैं सर, उन्हें आरोपी साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उस लड़की का कहना है कि वो हमलावर को बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन उसने ये भी तो कहा ना सर कि हमलावर ने मास्क पहना हुआ था, तो कोई और भी तो हो सकता है ना सर। और वैसे भी वो रिसोर्ट रूलिंग पार्टी के एमएलए के भाई का है, उन्हें पता चलेगा तो मुसीबत आ जाएगी। ओह, तो ये बात है। हाँ, कोई बात नहीं, ले आओ उनको। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये तो कर ही सकते हो सर। इस केस को एक्सेप्ट करने से पहले हमें सीआई सर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव केस है सर। सेंसिटिव केस है इसीलिए तो हम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं ना। मेरा वो मतलब नहीं था सर, अगर हमने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया और कुछ भी गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं सीआई सर को फोन कर रहा था, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। प्लीज सर, सीआई सर के आने तक वेट करते हैं। और तब तक वो तीनों रिसोर्ट छोड़कर भाग गए तो क्या उस लड़की की गलती नहीं थी कि उसने पहले उन लड़कों पर हाथ उठाया? मुत्तू सर, अगर उस लड़की की जगह आप होते तो क्या करते? इतनी देर तक आप वेट कर सकते थे? आपको अच्छा लगता है ये? या ये बताइए कि यही हादसा आपके किसी घरवाले के साथ हुआ होता, तब भी आप सीआई सर का वेट करते रहते क्या? जाइए जाइए, जितना बोला गया है उतना ही कीजिए सर। नमस्ते एडवोकेट साहब। ये तो ठीक है, बताओ बात क्या है? मेरी याद कैसे आई? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है बोपू, मैंने आज सुबह ही ड्यूटी पर जॉइनिंग की है। कांग्रेट्स माय बॉय, ऑल द बेस्ट।
अपना काम ठीक से करो। थैंक यू बोपू, आज मेरी नाम की लड़की पुलिस स्टेशन में आई थी और उसने कंप्लेंट लिखवाई कि उसका रेप हुआ है। उसने तीन लड़कों को एज अ सस्पेक्ट बताया है। सो मैंने उन लड़कों को स्टेशन लाने के लिए कहा है और ये बात सीआई सर को पता नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऊपर से ज्यादा प्रेशर आया तो शायद उस लड़की को इंसाफ ना मिल पाए। एम आई गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन या फिर मुझे सबसे पहले मेडिकल चेकअप के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, क्या कहते हो? देखो रवि, अगर एफआईआर फाइल करने से पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। कई बार मेडिकल चेकअप में भी सीमेन, सलाइवा, ब्लड ट्रेसेस नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन पर ले जाकर सबूत ढूंढ सकते हैं। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं मिला, मतलब वहां जाकर अगर तुम्हें रेप होने का कोई सबूत ना भी मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रेप हुआ ही नहीं। देखो, मैंने खुद कोर्ट में इस तरह के कई मामले देखे हैं और फैसला हमेशा लड़की के ही पक्ष में दिया जाता है। मतलब क्या हुआ? समझ रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ड्यूटी के पहले दिन तुमने बहुत अच्छा काम किया है, काबिले तारीफ, गुड लक। थैंक्स बुबू, अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। हाँ, जरूर कॉल करना। बी रिस्पॉन्सिबल, बी केयरफुल और केस की छोटी से छोटी बात पर ध्यान रखना। बाय। ओके। ए, इधर आ रे। हाँ तुम, क्या चाहिए तुम्हें? सर, मुझे कंप्लेन दर्ज करनी थी, मेरा नाम तौसीफ है। क्यों, क्या हो गया? सर, मैं बाइक पार्क करके वॉशरूम गया था और एक लड़के ने मेरी आंखों के सामने ही मेरी बाइक चुरा ली। ए, ऐसे कैसे बाइक चुरा कर ले जाएगा? बाइक की चाबी कहाँ थी? मुझे बहुत जोर से आई थी सर, इसलिए चाबी भूल गया। ठीक है ठीक है, यही रहते हो क्या? नहीं नहीं सर, मैं बेंगलुरु से हूँ। तो यहाँ क्या काम से आए थे? कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ सर, तो यहाँ घूमने आया था और काम भी चल रहा है सर। समझा, तो तुम नेचर पॉइंट गेस्ट हाउस में रुके हो? सर, आपको कैसे पता? ए, तेरे जैसे लोग अपना लैपटॉप लेकर यहाँ पर लड़कियों के साथ एंजॉय करने आते हैं, मस्ती करने आते हैं। सर, वो ए, रुको, चाय मैं दे दूंगा सबको, थर्मस बाद में लेकर जाना। ठीक है सर। तुम यहीं पर रुकना, सर के आने के बाद तुम्हें बुलाऊंगा। सर सर, मैं यहाँ बैठकर अपना काम कर सकता हूँ? काम कर सकते हो, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो। सर, चार्ज करने के लिए प्लग पॉइंट है क्या? वो वहाँ पर है। सर चाय। सर, अगर पहुँचने में जरा सी देर हो जाती ना तो ये भाग जाते। सर क्या भाग जाते सर, देखिए सर, हम लोग यहाँ पर हमारे दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए आए थे। हाँ, हमारा टाइम हाँ। पूरा हुआ तो हम निकलने ही वाले थे सर। मैनेजर, वो शहर गया हुआ है सर, जनरेटर के पार्ट्स लाने के लिए। वो वापस आते ही उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहना। जी सर, बोल दूंगा। सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमने आखिर किया क्या है? ए, बिना कुछ कहे शांति से खड़े रहो, वरना यहीं पर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैडम, जरा यहाँ आना। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है। मैडम, ये क्या है मैडम, हमने कल ही आपसे माफी मांगी थी ना सर। ये सच है कि हमने इनके साथ बदतमीजी की थी, क्योंकि हम लोग नशे में थे सर। हाँ। इसीलिए हमने इनसे कल ही माफी मांग ली थी सर। अरे मैडम, हमने आपसे माफी मांग तो ली थी, फिर भी यहाँ लेकर आ गई, हम कितनी बार माफी मांगे, माफ कर दीजिए ना प्लीज। सर आप प्लीज हमारी बात सुनिए सर। यहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा है क्या? हाँ, कबूल करो, सच सच बता दो कि तुम तीनों में से किसने इस लड़की का रेप किया है? क्या कह रहे हैं, रेप? सर, माँ की कसम खाता हूँ कि हम उस तरह के लड़के नहीं हैं। सर, ये सच है कि इनके साथ लड़ाई हुई थी, लेकिन हमने किसी का रेप नहीं किया। ओ, तो आपके हिसाब से ये लड़की जो भी कह रही है वो सब कुछ झूठ है, ऐसा ही ना? एक लड़की सबके सामने कह रही है कि उसका रेप हुआ है तो उसे वहम हो रहा है। बोलो, खुद को पीड़ित साबित करके कोई कैश प्राइज जीतने वाली है क्या ये लड़की? अरे चुप क्यों? देखो, जो है वो सब सच बता दो, तुम में से किसने ये काम किया है, नहीं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, हम वैसे लड़के नहीं हैं, विश्वास कीजिए सर। सर, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, हम इतने नीचे नहीं गिर सकते। मैं आपको बताता हूं कि आखिर कल रात क्या हुआ था। हुँ.
वरुण, आज बर्थडे के दिन तूने सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है कि तूने यहाँ आकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। अगर बेंगलुरु में इतनी जोरों शोरों से पार्टी करते ना तो अब तक पुलिस वाले उठा ले जाते। वरुण, तेरी गर्लफ्रेंड का कॉल नहीं आया क्या? नहीं आया, लड़ाई होने के बाद बात नहीं हुई है। ये सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, बात छोटी हो या बड़ी हो, चाहे हमारी गलती हो ना हो, वो हमेशा चिढ़ी रहती हैं। बैंगलोर जाते ही उसे घुमाने ले जाना, देखना सब ठीक हो जाएगा। हे लव गुरु, तुझे कुछ एक्सपीरियंस है या फिर बस ऐसे ही टिप्स दे रहा है? अरे पगले, हमेशा बड़ी बातें करना जरूरी नहीं है, जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलना चाहिए, क्या समझे? वरुण तू ही इसकी बात सुनता रहे, मैं तो चला म्यूजिक सुनने। हाँ हाँ, तू म्यूजिक ही सुन। रिसॉर्ट में सिर्फ तुम लोग ही नहीं हो, यहाँ और भी लोग हैं। वॉल्यूम कम करो वरना म्यूजिक बंद करो। हेलो, तुम किससे बात कर रही हो? देखो, हमें मालूम है कि म्यूजिक कितना लाउड होना चाहिए और पार्टी कैसे करनी चाहिए, तुम जाकर सो जाओ। तुम्हें थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या? तुम पूरे रिसॉर्ट को डिस्टर्ब कर रहे हो, वॉल्यूम कम करो। सब लोग रिसॉर्ट में एंजॉय करने और तो और मजे करने आते हैं, सोने के लिए नहीं। एंजॉय करने की भी एक हद होती है, ज्यादा करोगे तो बुरा ही होगा। हाँ ठीक है ठीक है, तुम हमें मत सिखाओ, जाओ जाकर सो जाओ। तूने म्यूजिक सिस्टम क्यों तोड़ा? तमीज से बात करो मुझसे कमीने। ए, तू लड़की इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं, निकल यहाँ से। मुझ पर मेहरबानी कर रहे हो, क्या कर सकते हो तुम लोग? तेरी जैसी औरत का कोई कर भी क्या सकता है? तू पागल कहीं की? क्या कहा कमीने तूने? छोड़ूंगी नहीं तुझे, बात करने की तमीज नहीं है, हट। कमीने कहीं के। तुम लोग ऐसे नहीं समझने वाले, तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना आता है मुझे। अगर तुम लोगों के खिलाफ हरेसमेंट का केस कर दिया ना तो जेल में सड़ते रहोगे, तब अकल ठिकाने आएगी। मैडम मैडम मैडम, आज मेरा बर्थडे है इसीलिए जोर से म्यूजिक चलाकर पार्टी कर रहे थे और हमने पी रखी है इसीलिए बदतमीजी हुई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ए, तू आखिर इससे माफी क्यों मांग रहा है? चुप करो और माफी मांगो, हम यहाँ दो दिन शांति से रहने आए हैं, तुम क्यों लफड़ा कर रहे हो? सॉरी मैडम, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, सॉरी। सॉरी। तुम्हें अब भी गलती का एहसास नहीं हो रहा है ना? तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगी। मैडम मैडम मैडम, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। आप जाइए मैडम, प्लीज चले जाइए मैडम। पहाड़ में जाओ। कल रात यही हुआ था। हाँ? और ये इस बात से अभी भी नाराज है, इसलिए झूठ मूठ की कंप्लेंट कर दी। सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए। हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? सर कसम खा के कहता हूँ यही हुआ था कल रात, प्लीज विश्वास कीजिए। सर ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रही है सर, ये झूठ। तुम लोग कह रहे हो कि ये लड़की पूरा झूठ बोल रही है, तो फिर ये क्या है? ये तो मेरा है सर। तुम्हारा है? तो जल्दबाजी में इसका रेप करते समय तुम ये भूल गए कि तुम्हारी चेन टूट गई है,
अपना मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। सर याद आया, इसने मेरा कॉलर पकड़ा था तभी चैन टूटी होगी सर, क्योंकि जब मैं रूम में गया तो मेरे गले में चैन नहीं थी सर। तुम्हारे पास सिगरेट है? सर मेरे पास नहीं है सर, लेकर आऊं क्या? थू, खुद को बहुत होशियार समझते हैं। तुमने देखा उसे कैसे बात कर रहा था? उसे कम उम्र में ये पोस्ट मिली इसीलिए रॉब जमा रहा था। मैंने अपनी सर्विस में ऐसे बहुत लोग देखे हैं। सर ऐसा सर आ रहे हैं अब, सर मुत्तू सर, सर उस लड़की का रिटर्न स्टेटमेंट ले लीजिए सर, और उस मैनेजर का भी ले लीजिए, और कल रात का सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा लीजिए सर। इमीडिएटली उसे पुलिस स्टेशन में पेश कीजिए। ठीक है। और मैनेजर का अब तक कोई पता क्यों नहीं मिला? उसे ढूंढ कर लेके आइए। यस सर। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इन्होंने क्या कहा सुना नहीं? जाओ जाकर गाड़ी निकालो। ओके सर। बेवकूफ कहीं का, चलो चलो गाड़ी निकालो जल्दी। ठीक। सर, सर क्या हुआ? टॉयलेट जाना है सर। अभी कहीं नहीं जा सकते सर, मुझ पर चिल्लाएंगे। प्लीज सर, बहुत जोर की आई है। ओ इतनी जोर से आई है तो यहीं हल्का हो जाना। ए सुरेश। जी सर। जरा इधर आ सर, इसको टॉयलेट लेकर जाओ, जा इनके साथ। थैंक यू सर। चल रहे, चलना जल्दी। जल्दी करके आना। हाँ। चल बारा। ए सर सर, अरे बारा हूँ सर, जल्दी खोल। आ रहा हूँ। दरवाजा खोल। आ रहा हूँ सर, जल्दी बारा। आया सर। ए बोला ना जल्दी आ। चल बारा। बस आ गया सर। चल। क्यों रे, फोन यूज कर रहा था क्या? नहीं सर। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। मैंने सुना तो फोन पर बात कर रहा था। कसम सर, फोन यूज नहीं किया मैंने। झूठे, मैंने तेरी आवाज सुनी। अब चल अंदर। सर छोड़िए सर। चुप कर, ज्यादा बात मत कर। ए सर चल अंदर, चल। अरे चल, ज्यादा बात मत कर सर, मैं टॉयलेट में बोला ना, चल कर रहा था। वहाँ खड़ा हो जा, चल। सर बात तो क्या हो रहा है सर, ये टॉयलेट में फोन यूज कर रहा था। ए क्या ये सच है? सर 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 ये झूठ बोल रहा है, मैं फोन यूज नहीं कर रहा था। ए चुप, मैंने तुझे बात करते हुए सुना है। सर ये झूठ बोल रहा है। मैंने सुना सर। ए झूठ बोल रहा है, सुनो। मैंने फोन यूज नहीं किया सर। ए मुझसे ज्यादा होशियारी मत करना। सर आप इसका फोन चेक कीजिए। सर मैं तो बस टॉयलेट में हल्का होने गया था। झूठ मत बोल, मैंने तुझे किसी से बात कर। क्या शोर हो रहा है? सर टॉयलेट में जाकर ये फोन यूज कर रहा था, सुरेश ने बात करते हुए सुना और यहाँ लेकर आ गया, लेकिन ये लड़का मान ही नहीं रहा है सर। मैंने इसे बात करते हुए सुना सर। फोन क्यों यूज किया? सर मैंने फोन यूज नहीं किया। सर फोन क्यों यूज कर रहा था? सर मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर सर क्यों फोन यूज किया आपने? सर फोन क्यों यूज किया आपने? सर फोन क्यों यूज किया? सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज। गर्लफ्रेंड? हाँ सर, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को मैसेज करेगा? गर्लफ्रेंड को मैसेज करेगा? गर्लफ्रेंड, यहाँ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए। पहले इन सबके मोबाइल फोन जमा करो, चलो। जी करता हूँ सर। ए हाथ बाहर निकाल, चल। ए सलामत सर। कहाँ गायब थे सुबह से तुम? सर रिसॉर्ट के लिए कुछ चीजों की जरूरत थी, वही लाने शहर गया था। हमेशा तुम ही जाते हो क्या खरीदने के लिए? होटल में कोई स्टाफ नहीं है तुम्हारे? लड़के हैं सर काम के लिए, लेकिन आज की लिस्ट बहुत बड़ी थी, मेरे स्टाफ को आदत नहीं, इसलिए आज मुझे जाना पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? राघव नाम है सर। राघव, तुम्हें सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहा था ना सर? वो सर वो कल सुबह से सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे सर। कल सुबह से ही कैसे सीसीटीवी कैमरा खराब होने लग गए? मैनेजर हो ना तो उसी वक्त ठीक क्यों नहीं करवाया तुमने? तुम्हारी वेबसाइट पर तो कस्टमर सेफ्टी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, ये ऐसी सेफ्टी देते हो? ऐसी सेफ्टी देते हो लोगों को? चुप क्यों?
सर वो एक्सक्यूज मी सर। तुम कौन हो? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? सर ये मेरा मंगेतर है, इसका नाम जॉन है। हाय जॉन, प्लीज आप बैठ सकते हैं। जॉन आई एम रियली सॉरी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसे वक्त में तुम्हें अपनी मंगेतर को बहुत ज्यादा हिम्मत देनी चाहिए। हम पुलिस वाले आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, लेकिन उसे अपने गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। डोंट वरी। अरे राघव। हाँ सर। ये लड़के लोग कौन से वक्त जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे थे और तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? सर सब लोग रिसॉर्ट में पार्टी करने के लिए आते हैं, इसलिए नहीं रोका मैंने। बेवकूफ। रिसॉर्ट में पार्टी करने आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां के सारे लोगों को परेशान करें। इन तीन कमीनों ने इसकी जिंदगी खराब कर दी, कमीने कहीं के। और इन लोगों को तुम सपोर्ट कर रहे हो, जब कड़ी पूछताछ होगी ना तो सच बाहर निकल कर आ ही जाएगा। मैंने क्या किया है सर? और मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये लड़की मेरी ये बदतमीजी से पेश आने की कंप्लेंट लेकर तुम्हारे पास आई थी, तब इन लोगों को रोकने की बजाय तुम इनका सपोर्ट कर रहे हो। हाँ बोलो। सर ये लड़की कौन है मुझे नहीं पता, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ सर। क्या बकवास कर रहा है? ठीक से देख इसका चेहरा, ठीक से देख इसका चेहरा। तू भी साजिश में मिला हुआ है, तू भी मिला हुआ है ना इसके साथ। प्लीज सर, ये यहाँ पर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए है, आप इस पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर जल्दबाजी में कुछ हो गया तो हम सब की नौकरी जा सकती है सर। सर मैंने क्या किया है सर? ए, ठीक से देख सर, ठीक से देख इसे। इस लड़की का नाम है मेरी। हाँ। और ये तुम्हारे रिसोर्ट में रुकी हुई थी। हाँ? कल रात जब ये लोग जोरों से म्यूजिक बजा के पार्टी कर रहे थे, तब मेरी ने इन्हें आवाज कम करने के लिए बोला था, और इसी बीच इन लोगों ने मेरी के साथ बदतमीजी की। और जब इसने तुमसे इस बारे में कंप्लेंट की, तब तुमने ऐसा जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ये कोई कॉमन कंप्लेंट लेकर तुम्हारे पास आई थी। और उसके बाद जब थोड़ी देर में पावर कट हुआ, तो इसी बात का फायदा उठाकर इन तीनों में से कोई तो एक इसके कमरे में गया। लेकिन सर, सर मैं सच में गणपति बापा की कसम खाता हूँ सर, मैं इसे नहीं जानता और ना ही मैंने इसे कभी देखा है। हमारे रिसोर्ट में हम पावर के लिए सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, अगर जोरों से बारिश होती है तो ही पावर कट होता है। आपने जो कहा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। सर हमने कहा था ना, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, ये बस हमें यहाँ फंसाना चाहती है, ये नाटक कर रही है सर, नाटक कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत, जान ले लूंगा मैं तेरी। ये सब क्या हो रहा था जॉन? अपने आप पर काबू रखो। जॉन संभालो अपने आप को। अरे क्या संभालू अपने आप को, हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, तुम्हारा ये सोलो ट्रिप और ये फोटोशूट हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने, मान सम्मान सब कुछ चला गया। जॉन हमें अकेला छोड़ दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी सर, प्लीज। जॉन जॉन रुक जाओ, जाओ जाकर उसको पानी पिलाओ। जी सर। मैडम पानी। थैंक यू। दो चाय लाना। बहुत अच्छे, हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है।
हाँ सर आ गया आ गया। वो आसपास ही कहीं होंगे ना? वो आता ही होगा सर, उसी ने कॉल किया था। ठीक है ठीक है ठीक है सर, अगर आप मेरा लीव एप्लीकेशन अप्रूव कर देते तो। छुट्टी चाहिए किस बात के लिए? पुलिस थाने में पहले ही स्टाफ कम है, नए एसआई ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, क्यों चाहिए तुम्हें छुट्टी? मेरी बेटी की गोद भराई की रस्म है सर, लेकिन वो बेलगांव में रहती है इसीलिए मैं। अरे मुतु नाना बनने जा रहे हो तुम? सुनो तुम्हें तो पूरे थाने को पार्टी देनी चाहिए, क्यों अकेले? हाँ सर, मैं ये सोच रहा था कि मैं सबको बुलाऊं सर, आप सिर्फ मेरी छुट्टी देख लीजिए सर। सर नमस्ते सर। कहाँ है वो और कितने लोग हैं? सर वहाँ जो लाइट जल रही है ना वहीं पर है सर, एक बाहर है और दो अंदर है, जो अंदर है वो दो लड़कियों के साथ है। कोई हथियार है क्या उनके पास? सर हथियार तो नहीं है लेकिन बहुत सारा कैश है। मूव। चलो सबकी तलाशी लो। वेल डन रतन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, आप मेरा इंस्पिरेशन है। जब आप बेंगलुरु में कमिश्नर थे तो आपने जो काम किया था बहुत से ऑफिसर्स को वो अब भी मोटिवेट करता है। यू आर अवर आइडियल सर। ये यहीं रुकना नहीं चाहिए, मैं तुमसे और उम्मीद रखता हूँ। बिल्कुल सर। वेल, तुम्हें इस फोटो के बारे में कुछ और जानकारी मिली क्या? सर उस लड़के का नाम इनायत है, सट्टेबाज है, अपने फार्म हाउस से ही वो सारे बिजनेस संभालता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी और जानकारी हासिल करें। ओके, वो तस्वीरें मुझे भेज दो व्हाट्सएप पर, मैं बेंगलुरु के ऑफिसर्स के साथ तस्वीरें शेयर करूंगा, शायद वहां से कुछ हाथ लग जाए। यस बिल्कुल सर। पर्सनल काम के लिए तुम पर्सनल गाड़ी यूज कर रहे हो? सर ये हमने आपसे ही सीखा है, पोस्ट की वजह से हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। सर अपने परिवार से मिले हुए मुझे बहुत वक्त हो गया है, उसके लिए छुट्टी ली थी,
लेकिन पता चला कि आप यहाँ पर है तो आपसे मिलने के लिए चला आया। ड्यूटी और फैमिली दोनों इम्पोर्टेंट है रतन, लेकिन फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो चलते हैं। जी सर। पुलिस स्टेशन से इतनी बार कॉल क्यों आया हुआ? हाँ हेलो। हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ अखिल। ठीक है सर। सर मुत्तू सर, ये मेरी की कंप्लेंट का एफआईआर तैयार कीजिए। जी सर। और शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके मेडिकल चेकअप का अरेंजमेंट करवाइए। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि आज मेडिकल चेकअप हो पाएगा। हाँ। एक काम करता हूँ, दो हॉस्पिटल में कॉल करके कल के लिए मेडिकल चेकअप अरेंज करता हूँ। और वो लड़कों के और मैनेजर का फोन जल्द से जल्द जब्त कर लो और उनके फोन्स के सारे कॉल डिटेल्स निकाल। ठीक है सर। सुरेश। हे सुरेश। सर। सर। हाँ सुरेश, ये पैसे लो सर और उनके खाने का इंतजाम करो। ठीक है। ठीक है सर, मैं तब तक अपना खाना खा के वापस आता हूँ। ओके सर। मुत्तू सर। सर चलिए आज साथ में खाना खाते हैं। अरे नहीं सर, आज मैं खाना लेकर आया हूँ, आप जाकर खा लीजिए। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं कंप्लेन लिखवाने आया था सर। वो सर, सर उसे मैंने ही कहा था, आप बिजी थे और मुत्तू सर बाहर गए थे इसलिए। ठीक है, इसे खाना खाने के बाद बुला लेना। ठीक है सर। छोड़ मुझे। बेवकूफ, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? क्या सोचा था? मुझे अरेस्ट करेगा तो बच जाएगा। अब सुन, अपने सीआई को बोल मुझे बाहर निकाले वरना पूरे स्टेशन को उड़ा दूंगा। बूम, बोल, बोल रे, बोल रे, छोड़ दे, छोड़, छोड़। ए, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? हाँ अच्छी तरह जानता हूँ कि तू गिरा हुआ इंसान। अबे तुझे मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं। थाने पे आएगा ना तो सब खुद ही बताएगा हमें। हेलो मास्टर, मैं रसाक बोल रहा हूँ। इनायत के घर पर पुलिस की रेड पड़ी है, वो सब लोगों को स्टेशन लेकर जा रहे हैं। इनायत के घर पर पुलिस की रेड पड़ी है, उन्होंने सबको गिरफ्तार कर लिया। जल्दी से उन लोगों को बाहर निकालने का इंतजाम करो। इन्फॉर्मेशन मिल गई है। लड़कों को वहां से निकलने के लिए बोलो, मैं सुबह तक वहां पहुंचता हूं। नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगी। दिमाग खराब हो गया क्या? ये बहुत मुश्किल टास्क है, अगर कुछ गलत हो गया तो? मेरे पास प्लान है, कुछ भी गलत नहीं होगा, यकीन करो। नहीं, हम सब मेरा प्लान ही फॉलो करेंगे। दो लड़कों को लेकर चकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के बुद्धिगर में रॉयल रेसिडेंस रिसॉर्ट में पहुंचो। वहां पहुंचकर मुझे फोन करना, मैं बाकी की डिटेल्स तुम लोगों को मैसेज कर दूंगी। सबको मुश्किल में डाल रही हो, मेरी बात मानो, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा प्लान सही नहीं है। देखो, उन पर नजर रखने का यही एक रास्ता है, जब तक मास्टर कॉल नहीं करते। मेरे वहां आने तक तुम वेट करो ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने भी कहा ना, मेरे पास एक प्लान है, मुझे अपने तरीके से करने दो।
मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। मास्टर को मैसेज आने तक जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हम नए एसआई को यूज कर सकते हैं। और नो वायलेंस, मास्टर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। वो हमारे हाथ में नहीं है। सीआई होशियार और बहुत ताकतवर है, रजाक ने कहा था। अगर वो इसकी शुरुआत करेंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठने वाले। हमें चालाकी से वहां से बाहर निकालना। कमिश्नर सर। हेलो रतन, कहाँ हो तुम? सर मैं अपने गांव से निकल रहा हूँ, कोई खास बात थी सर? मुझे लगता है कि तुम्हें अभी जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। सर सुरेश। सर यस सर। यहाँ पर कोई लड़का कंप्लेंट करने के लिए आया हुआ था। हाँ सर। क्या वो लंच के बाद लौटा? सर वो लंच करने नहीं गया, हमने उसे कई बार जाने को कहा पर वो नहीं गया सर। ऐसा क्या? हाँ सर। लेकिन मैंने किसी को वापस आते जाते देखा नहीं। शायद वो टॉयलेट गया होगा सर। ठीक है, उसको लेकर आओ, हम लोग उसकी कंप्लेंट ले लेते हैं और फिर चेक करेंगे। ठीक है सर, अभी लेके आता हूँ। हाँ सुरेश। सर और एक बात। सर तुम्हारे फोन में सिग्नल है क्या? देखो मुझे एक कॉल करना है। सर फोन में सिग्नल तो नहीं है सर, हम यहाँ रिमोट एरिया में है ना, यहाँ हमेशा नेटवर्क का इश्यू होता है सर। सर आप एक बार लैंडलाइन से ट्राई करके देखिए ना। मैं तो टेंशन में ये सब कुछ भूल ही गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच, और तुम जा सकते हो। ओके सर। किसी का फोन नहीं लग रहा है, मुथु और मंजू का भी नहीं लग रहा है, आखिर पुलिस स्टेशन में हो क्या रहा है? ए जरा अपना फोन दो। सर स्टेशन की लैंडलाइन पर कॉल करके देखिए ना। जरा तेज चलाओ। सर वो काम नहीं कर रहा है सर, हो सकता है कि झगड़े में टूट गया हो, मैंने भी अपना अभी जोड़ा है। सर। हाँ बोलिए मुत्तू सर, मेडिकल चेकअप का अरेंजमेंट हुआ क्या? नहीं सर, मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की। सर मैं अरेंजमेंट के लिए मंजू को भेज देता हूँ। ठीक है सर। सर उस मैनेजर को अगर वापस भेज दूं तो चलेगा क्या? किस लिए? इंटरोगेशन अभी तक खत्म हुआ नहीं है, और मैंने आपको उनकी कॉल डिटेल्स चेक करने को कहा था ना। वो तो चल रहा है सर, लेकिन हम उसे ज्यादा देर नहीं रोक सकते, ओनर चिढ़ जाएगा सर, और वैसे वो एमएलए का भाई भी है तो सर। ठीक है सर, आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए। मुझे गलत मत समझिएगा, अपनी सर्विस में ऐसी चीजों की वजह से मुझे बहुत सहना पड़ा है, आपको कैसे समझाऊं? मैं समझ सकता हूं सर, आई एम सॉरी, मैं सुबह आपसे बदतमीजी से पेश आया था। अरे कोई बात नहीं सर। अच्छा वो मेरी और जॉन को अंदर आने के लिए कही है। हाँ। वो जॉन बेचारा बहुत ही टेंशन में है। हाँ। मैं उसे अच्छे से समझा देता हूँ। हाँ। उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं और कल सुबह डायरेक्ट मेडिकल चेकअप के लिए भेज देंगे। हाँ ठीक है सर। लेट हो रहा है, मास्टर का कोई मैसेज नहीं आया। उन्हें जेल से बाहर निकालना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, पुलिस को पता चले बिना उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। मास्टर भी वही प्लानिंग कर रहे होंगे, उनका मैसेज कभी भी आ सकता है, तुम तैयार है ना? मंजू गाड़ी तैयार रखो, हमें रिसोर्ट जाना है। ठीक है सर। अरे सुनो सर, तुम दोनों को बुला रहे हैं, अंदर जाके उनसे मिल लो। ओके सर।
सर सर, मैंने तीनों की छानबीन की, उनमें से सिर्फ एक के पास मोबाइल है। मैंने फोन चेक किया लेकिन फोन में फोटोज नहीं है। फोन की गैलरी खाली है सर, और कॉन्टेक्ट लिस्ट भी खाली है, और ये मोबाइल ब्रांड न्यू है सर। दोनों के पास मोबाइल नहीं है? नहीं सर। और क्या क्या है? यस सर। तुमने उनकी बैग चेक की क्या? चेक की सर, वो भी खाली है सर। इधर लेकर आओ उन लोगों को। यस सर। बैठ जाओ, सिर्फ दो मिनट। हाँ अरे लेकर आओ ना उन लड़कों को जल्दी। यस सर। ए यहाँ खड़े रहो, तुम लोग उधर खड़े हो। कहाँ है तुम्हारे मोबाइल फोन्स? हाँ कहाँ छुपा कर रखे हैं फोन? सीधे खड़े रहो, बोला ना। ए सीधा खड़ा रहे, इधर आओ, इधर आओ। फोन के साथ क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारे फोन की पूरी कांटेक्ट लिस्ट खाली पड़ी है, गर्लफ्रेंड को मैसेज करने की बात भी झूठी थी, है ना? हाँ वो नया चुप करो, तुम ऐसे नहीं मानोगे, दिखाता हूँ तुम्हें। सर 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 अभी दिखाता हूँ तुम्हें। सर वो बाहर नेटवर्क नहीं आ रहा है। ए, तो कहाँ थे? तुम्हें बुलाया था ना, कहाँ चला गया था? सर मैं टॉयलेट गया था। ठीक है बाहर रुको, मैं बुलाऊंगा। सर बाहर नेटवर्क नहीं आ रहा है, स्टेशन के अंदर वाईफाई कनेक्शन है क्या? तुम्हें यहाँ काम करने दिया वही बहुत है, अभी वाईफाई चाहिए? चलो बाहर जाओ। सर बहुत जरूरी काम है। ए, चलो बाहर निकलो, बाहर जाओ ना, कहाँ ना, चलो बाहर निकलो। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? सर बाहर निकलो, सर बहुत जरूरी काम है, चलो निकलो। कॉन्स्टेबल सर, सर पुलिस स्टेशन में बंदूक निकाल जाओ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जॉन, ये तुम क्या कर रहे हो जॉन? ये सब क्या हो रहा है? जॉन, जॉन रुको, जॉन, जॉन, अरे, जॉन, छोड़ो। मार 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 मार। तुम बूदी गिरे जाओ, उन पर नजर रखने के लिए उसी समय हमारे लोग पुलिस स्टेशन में होंगे। तुम मुझे हर छोटी बात की खबर देते रहना। बस थोड़ी देर में हो जाएगा, मैं स्टेशन के सारे नेटवर्क जैम कर रहा हूँ, आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? सर वो मैं टॉयलेट गया था। अंदर हमारे जो लोग रुके हुए हैं उनमें से किसी एक को ये गन दे देना।
आखिर कौन हो तुम सब लोग? ये सब क्या हो रहा है? बू बू मैं बोला था ना, मेरे निकलने का कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। समझते ही नहीं हो तुम लोग? हाँ, अब देख, जैसे ही बाहर निकलूंगा सीआई को मार दूंगा मैं। हाँ? ए, अब खोल ना इसे, खोल दे। चलिए, मुझे निकलवाने आया था ना? आ! ए! दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ए! ए, ए, ए! जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस मुझे बाहर निकाल दे। निकाल ना। अब समझा। सब मिलके तुझे उल्लू बना रहे हैं रे। ए, ए, ए! तुम सबके सब मिलकर इसे बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे हो? कौन है? कौन है? कौन है रे? बोल! सर आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कमिश्नर सर ने फोन पर कुछ कहा क्या? एक मामूली लड़की को भगाने के लिए इतना कुछ किया जो कल रात को ड्राइवर से पैसे ले रही थी। बहुत अच्छा प्लान बनाया। ए, कौन है रे तू? हेलो मास्टर जी। ऐका, तुम्ही सरळ मंगलोर हार्बर वर पोहोचा, मी सगळे पैसे तुम्हाला तिथेच देईन। मास्टर जी, मुझे हिंदी आती है, भूल गए क्या? ध्यान से सुनो, हमारे हथियार खरीदने की पैसों की डील चिकमगलूर में तैयार है। जब आप मंगलोर पहुंच जाएंगी ना, तब मैं पैसा अपने आदमी के साथ आके आपके हाथों में दे दूंगा। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, जितनी मदद की है उतनी काफी है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि पैसे आपको मिले कि नहीं। नहीं मास्टर जी, आप एक काम कीजिए, मुझे उस आदमी का पता भेज दीजिए और मैं पैसे लेने आ रही हूँ उसे इन्फॉर्म कर दीजिए। आर यू श्योर? जी जी बिल्कुल, लेकिन आप उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताइएगा, समझ गए आप? ठीक है, मैं संभाल लूंगा, मैं तुम्हें उसका पता भेज रहा हूँ। कौन है? ड्राइवर। ड्राइवर? आइए ड्राइवर साहब, आइए। लो ये ले, एक फुल बॉटल लेके आ।
क्या हो गया? अरे मेरे लड़कों को पैसे लाने में अभी टाइम लगेगा। जा। Hey! कितनी बार बोला है ठीक से मसाज कर। और कहां से हो तुम? तमिलनाडु। तमिलनाडु। एक्सरसाइज करती हो इसीलिए एकदम मस्त दिखती हो, मतलब हर तरफ से फिट, एकदम सेक्सी। सच कह रहा हूं, मैं इन मॉडर्न लड़कियों के साथ सो सो के बोर हो गया। तू है ना, पर तेरे साथ बहुत मजा आएगा। पैसा इसके नीचे रखा है, अगर मेरा साथ देगी तो जितना चाहिए लेके जा सकती है। हाँ पूरा आजा, हाँ आजा, आजा आजा। ए, 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 कौन है तू? ए हिलना मत, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? पुलिस स्टेशन में जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सब बता देगा। मास्टर, मैं रजाक बोल रहा हूँ। इनायत के घर पर पुलिस की रेड पड़ी है, वो सब लोगों को स्टेशन लेकर जा रहे हैं। क्या हो गया? इनायत के घर पे पुलिस की रेड पड़ी है। क्या बात कर रहे हो? उन सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, बस ड्राइवर वहां से बच के भाग निकला। अब हम क्या करें? अभी रात हो चुकी है, कल सुबह उनकी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सिर्फ इनायत ही नहीं, सबको कोर्ट लेकर जाएंगे, और ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। उनके साथ कौन था ये उन्हें मालूम पड़ा तो पक्का उन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट कर देंगे, और फिर उन्हें वहां से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुबह होने से पहले हमें उन्हें छुड़वाना होगा। अगर थोड़ी भी देर हुई तो हम सब खत्म। जॉन, तुम जाकर टीम रेडी करो। पुलिस को उनके बारे में पता चलने से पहले हम उन्हें जेल से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद उन्हें रखोगे कहाँ? किसी ना किसी को उनकी आइडेंटिटी पता चली जाएगी। एक बात याद रखो, पुलिस हमें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं सारी अरेंजमेंट करता हूँ, तुम बस पुलिस स्टेशन के अंदर रुके रहना और अच्छे से ध्यान रखना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि तुम ही मुझे उनकी हर चाल के बारे में बताते रहोगे। उसी बीच मैं उनकी बॉर्डर पार करने की अरेंजमेंट्स करूंगा और तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए सब तुम्हारे हाथ में है। तुम तीनों को तब तक इस बात का ध्यान रखना है कि पुलिस को तुम लोगों पर बिल्कुल भी शक ना हो। मैं मैनेजर का नाम लूंगी तो थोड़ा और वक्त लगेगा। जब तक हमें मास्टर का मैसेज नहीं आता हमें ये नाटक करते रहना होगा। सर, तुमने जिस सट्टेबाज को गिरफ्तार किया वो बहुत बड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड से, इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री के लोग और पॉलिटिशियंस इससे बेटिंग करवाते हैं। मेरी टीम के मुताबिक ये कुख्यात क्रिमिनल है। थैंक्स अ लॉट सर, अपना कीमती वक्त निकालकर मुझे ये जानकारी देने के लिए। मैं अभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देता हूँ और सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता हूँ। फिर से आपका शुक्रिया सर। रतन, उसके बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस न्यूज के बारे में परेशान होना चाहिए जो सेंसिटिव टॉपिक को लेकर न्यूज में मुद्दा बन जाए। सर, मैं कुछ समझा नहीं। जब मैं छत्तीसगढ़ में डीजी के तौर पर काम कर रहा था तो इकालपुर नाम के एक गांव में एक घटना हुई। पंचायत ने कुछ किसानों के कुछ लैंड रिकॉर्ड्स जब्त कर लिए और उन्हें परेशान करने लगे। उसी वक्त एक 18 साल की लड़की ने उसका सर काट दिया।
और इस घटना के बाद सारे गांव वाले उस लड़की को एक देवी की तरह पूजने लगे और उसके बाद वो लड़की बहुत से विद्रोही समूहों के साथ जुड़ गई, बहुत से खून खराबे में शामिल हुई। पुलिस के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए शी बिकेम मोस्ट वांटेड। वो जगह जगह घूमने लगी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत बनाने में लग गई, जो बाकी राज्यों में पहले से थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो बुरा सपना बन गई। ऐसी कोई जंगल नहीं है, ना कोई ऐसी भाषा है जो उसे मालूम नहीं। 2016 में ऐसी खबर आई कि तमिलनाडु में एसटीएफ के अटैक में वो मर गई, लेकिन वो झूठी खबर थी। दरअसल वो मरी नहीं थी, बल्कि वो गुप्त रूप से काम करने लगी थी। बहुत से ऑपरेशन के बाद भी उसके खिलाफ कुछ भी हासिल नहीं हुआ। शी वॉज अ घोस्ट। लेकिन मैंने उसे आज ही देखा। जो फोटो तुमने भेजी थी उसमें तुमने उस सट्टेबाज के साथ जिस लड़की को वैश्या समझकर गिरफ्तार किया है। शी इज द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ दिस कंट्री एंड द हीरो टू द रेबल्स। तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है कि जो काम स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस नहीं कर पाई वो काम तुमने कर दिखाया। अब जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाओ। कांग्रेट्स एंड गुड लक। सर, उसका नाम क्या है? प्लान तो ठीक है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि हम उसे बचाने के लिए आए हैं? मेरा नाम है मैरी। सर, मेरा नाम मैरी नहीं, रश्मि है। सॉरी। हे, तू बोल कितना पैसा चाहिए, उतना पैसा दे दूंगा मैं। मुझे बाहर लेके चल, बस लेके चल, मुझे लेके चल। पहले औरत से तमीज से बात करना सीख ले, उसके बाद बाहर आना। भाई, 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 भाई। सीआई की गाड़ी स्टेशन की तरफ आ रही है, ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली है जॉन। तुम सब लोग शहर के रास्ते से निकल जाओ और मैं, मैरी और रश्मि जंगल के रास्ते से आएंगे। हमारे लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे। एंड प्लीज बी केयरफुल। सर, स्टेशन के सामने तो कोई भी कांस्टेबल नहीं दिख रहा है। सर, 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 वो लोग थोड़ी देर पहले निकले। सर, वो लोग जंगल के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप जाइए, जाइए सर, जल्दी जाइए सर, निकालो इन्हें बाहर। We'll be right back.
तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हर गुनहगार को एक न एक दिन सजा जरूर मिलती है। सही गलत का फैसला करने के लिए ऊपर वाला है, तुम लोग ऊपर वाले नहीं हो। ए, चुपचाप सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरेंडर करना ही होता तो उस दिन करती जब उस इंसान का सर काटा था, आज तक इंतजार नहीं करती। तुम्हारी नजर में तुम जो कर रही हो वो सही है, पर असल में ये पागलपन है। इसलिए अगर गांव गांव में लोग पढ़ेंगे तो तुम्हारी तरह गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं। मैं बीएससी ग्रेजुएट हूं। एजुकेशन ही नहीं बल्कि सब लोगों को चाहिए इक्वालिटी। इस दुनिया में हक जताने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारा संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सभी को समान अधिकार नहीं मिलता। ए, 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 ए। ए, सही गलत का फैसला करने वाले हम कोई भगवान नहीं है, मानता हूं, पर साथ ही तुम भी कोई भगवान नहीं हो जो किसी को सजा दे किसी इंसान का सिर काटे। मैरी चलो, देर हो रही है, हमारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। आ